तो कैसे हैं, फिर से आ गया आपका भाई एक और न्यू वीडियो लेके। और भाई आप लोग फुल सपोर्ट नहीं जमाते, उतना जमाइए तभी ना आगे बढ़ेंगे। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में। यार मुझे तू बता दे मुझे मेरी सेटिंग करवाने का क्या लोगे तुम। तुम हवा से मोतिया झड़ेला बहे पूरा वही। तो गाइस मिल गए हमारे ससुर जी, हैया देखिए। हसेलु तो भाग हमारे जाग जाए। ये नहीं पिए नहीं पिए दारू नहीं पिए दारू। और भी उनका देख लीजिए, भाई आ गया ससुर जी का भाई। तो भाई जकर सब के ब्याह से लो वो अपन अपन स्टेटस नहीं लगो कैला कि हम गैर जोड़े हो। आयो रे मां तो गाइस ये लोग इस जगह पे लेके आ जाता है जहाँ पे आदमी ही नहीं रहता। मैं किसके बीच में रिएक्शन करूँ पता नहीं चलता, ये दुख का भी नहीं खत्म होता है। हम गरीब है मेरी जान, मौज लेने की उम्र में ना मजदूरी करनी पड़ती है। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। तो गाइस हमारे पूर्वज पत्थरों से आग लगाते थे पर हम लोग बातों ही से आग लगाते थे। तो गाइस कल गए थे हम इंडिया गेट और वहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड मिली, उसकी गुलाबी आंखें देखी ना यार, आई फ्लू हो गया यार, बहुत दुख की बात है यार। अंजाम मिला मुझको ये आंख लड़ाई का। कौन कहता है जो लड़कियां घमंड करती है, लड़कियां पहले मेकअप करती है उसके बाद घमंड करती है। फेसबुक पर बाबूनी कमेंट मांगा था, आपन जीवन साथी परमानेंट मांगा था। गाइस हम लोग आ गए कोई मॉल के अंदर, बताओ तो कहीं गए नहीं और आ गए मॉल के अंदर। देख सके छे भोजाई हमार आई ए लिफ्ट पर चढ़ल छे ए ए भैया के कत छोड़ दे। देखा जो तूने मेरी तरफ तेरे दिल में उतर। हम बता दिया आए हम सब मॉल में बर्गर खाएले पाव रोटी। पाव रोटी खाएले हम सब मॉल में बैगन सी देखिले आ पाव रोटी ल का कखे ना तेने पता ओकर इंतजार में हम सब तो बैठल छी। भैया देखै छी पवन सिंह जी लागै छी ना भैया ए हमर का। तो गाइस हम बता दें पाव रोटी अखन तक नहीं आयल पर बिल पहले ल लेल गया, बिल पहले ल लेल गया पर पाव रोटी के अखन तक पता नहीं है। तो गाइस कते देर के बाद बर्गर और आलू के पकौड़ा और यह पाव रोटी आई गई है। हम पेप्सी से हुआ के लिए सब आदमी के निमंत्रण जाओ खा लिया और तब तक हम सब चपा दीजिए। तो गाइस हो गया है शाम और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये लोग ऐसी ऐसी जगह पे लेके आ गया जहाँ किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।